और दोस्तों मैंने रॉयल्टी कैसे ली, मैं इस बिजनेस में अक्टूबर 2000 से हूं। अगस्त 2000 में ये सिस्टम शुरू हुआ था, किसी जी ने इस बिजनेस को शुरू किया अगस्त 2000 में और मैं अक्टूबर 2000 से इस सिस्टम में हूं। और मुझे रॉयल्टी लेने में 8 महीने लगे। 8 माह बाद में मैं रॉयल्टी के मुकाम पे पहुंचा, लेकिन कैसे पहुंचा आज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। और दोस्तों मुझे ये पक्का है कि जिस धैर्य से मैंने 10 कदम जो आगे बढ़ाए और उन्हीं 10 कदमों पे आप पैर रखे के चलेंगे तो जहां मैं पहुंचा वही आप पहुंचे। तो मैं आज आपको वो बातें बताना चाहूंगा कि मैं कैसे रॉयल्टी पे पहुंचा, कैसे मैं टेक्निकल पे पहुंचा, मैंने क्या किया, ऐसा क्या किया कि मैं रॉयल्टी और टेक्निकल मुकाम पे पहुंच गया। ये सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मैं अपना परिचय दूंगा दोस्तों, नाम विजेंद्र सिंह राठौड़, मैं राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है रिवाज, मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे मेरा मेडिकल स्टोर है, एक्सेल लैब का काम है आज भी है दोस्तों। जब मुझे ये सिस्टम मिला था तभी मैं मेरा एक्सेल लैब का काम था, लेकिन अब मैंने उस सिस्टम को चेंज कर दिया, लेकिन आज भी मेरा मेडिकल स्टोर है एक्सेल लैब का काम। मैंने जब इसको ज्वाइन किया था मैंने ये देखा दोस्तों कि इन सिस्टम में खुद चल के कोई नहीं आता, सबको धक्का दिया जाता है, धक्के देके इस सिस्टम में लाया जाता है, और मुझे भी धक्का देके इस सिस्टम में लाया। मेरे दोस्त हुआ करते थे मिस्टर ओपी शर्मा, हमने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल बीएससी हमने साथ किया, और क्लास फेलो थे, ग्रुप पार्टनर थे। मैंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एसडी गवर्नमेंट कॉलेज डावर से भी किया, और बीएससी फाइनल हमने डीवी कॉलेज अलवर से किया दोस्तों। डिग्री करने के बाद में मैंने फार्मेसी किया, और मैंने 85 में मेरा निमाज में मेडिकल स्टोर और एक्सेल लैब खोली। और जब हम कॉलेज से बिछड़े उसके बाद में ओपी शर्मा से मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, फोन पे बातचीत होती थी, लेकिन अचानक 2000 अक्टूबर 2000 में मेरे पास वो आता है और मुझसे बोलता है कि विजेंद्र एक बहुत अच्छा बिजनेस आया है इसको कर। और जब वो आया दोस्तों मेरे पास, उस वक्त वो राजस्थान सरकार में जॉइंट डायरेक्टर की पोस्ट पे काम कर, शेखा भवन में हेड ऑफ डिपार्टमेंट, कोऑपरेटिव में हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वो एक अच्छी खासी पोस्ट जॉइंट डायरेक्टर की पोस्ट पर काम करता था। उस वक्त उसकी सैलरी 25,000 की हुआ करती, 25,000 की सैलरी थी, अच्छा खासा उसका स्टेटस था। उस वक्त तो मारुति फोर व्हीलर मेंटेन किया, मैं भी अपने आप में बहुत मस्त था, ठीक था, मेडिकल स्टोर था, एक्सेल लैब का काम था। ओपी सर जब मेरे पास आया और मुझे उस वक्त एक टेबल बॉक्स आया करता था, उसे 5 पैंट पीस आया करते, प्रोडक्ट के नाम से हमारे पास में 5 पैंट पीस का एक किट हुआ करता। औपचारिक बातें हुई चाय वाय पीने के बाद में ओपी शर्मा ने वो टेबल जो थी उस पर वो कपड़ा निकाला और मुझसे कहा कि विजेंद्र एक बहुत अच्छा बिजनेस आया है, इस बिजनेस को तुम कर। मैंने उसको देखा ऊपर से नीचे तक और उससे कहा नहीं, मैंने मन में सोचा, मैंने कहा ये जॉइंट डायरेक्टर की पोस्ट पर काम कर रहा है और ये कपड़े बेचने का काम कब से कर। और मेरे दिमाग में चली कि हो सकता है राजस्थान सरकार ने इसको नौकरी से निकाला, अकेले बता रहा हूं। मैंने उसको देखा ऊपर से नीचे तक, मैंने कहा ओम नौकरी तो सलामत है अपनी, कहने नहीं क्या दिक्कत है, नौकरी बढ़िया चलती है, मैं सर्विस के साथ साथ बिजनेस भी ये कर रहा हूं, मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने उसको मना कर दिया, मैंने कहा मेरे लिए कहे मेरे लायक काम नहीं है, तू और किसको पकड़। दोस्तों
मैंने उसको मना कर दिया, वो चला गया। सेकंड दफा बंदा फिर आया, फिर मना कर दिया। तीसरी दफा फिर आया और मुझसे फार्म निकाल के कहा इस फार्म पे साइन। और दोस्तों मैंने जबरदस्ती उस फार्म पे साइन। आज मैं सोचता हूं कि अगर उस दिन वो मैं साइन नहीं करता तो दोस्तों करोड़ों रुपए से तो वंचित रहते ही रहता। लेकिन जो मान सम्मान नाम उन सब चीजों से मैं वंचित। यू करके मेरी ज्वाइनिंग हुई। अब ज्वाइनिंग तो हो गई लेकिन हमें विश्वास नहीं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ये विश्वास नहीं। लेकिन ओम ने मुझे कहा कि तू एक दुर्गा तीसरी जी से मिल ले, मैं सर से मिल ले, बिगड़ गया। बातचीत की आमने सामने जब सर से मिले तो मुझे लगा कि जिस व्यक्ति से मैं बात कर रहा हूं ये कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है, ये असाधारण व्यक्ति है। और उनकी बातें सुनने के बाद मुझे लगा कि ये बिजनेस चले। और वहां से आने के बाद में मैंने लोगों से मिलना शुरू किया, लोगों को कपड़ा बताना शुरू किया, प्लान बताना शुरू किया, किसी ने हाँ की किसी ने ना की, लेकिन मैं अपने मिशन में लगा। और यूं करते करते दोस्तों अप्रैल 2001 मेरा चेक था 32,000 और मैं जो चीज आपको कहना चाह रहा हूं वो ये कि जो चीज मैं विश्वास से रख तो गया था लेकिन समस्या आना भी शुरू। मेरे मदर फादर नाराज हो गए कि आजकल कौन से उल्टे सुल्टे काम में पड़ गया, ये क्या पता कहाँ मेडिकल छोड़ के क्या पता कहाँ कहाँ घूमता फिरता है, दो दो तीन तीन दिन बाहर रहता है। तो दोस्तों जब मेरा 32,000 का चेक आया तो मैं फादर के पास गया, ले जाके उनको चेक बताया कि मेरे को पिताजी आरसीएम से 32,400 का चेक आया। तो पिताजी ने वो चेक देखा और कहा कि बहुत अच्छा काम है, इसमें ना तो तूने पैसे लगाए, ना कोई दुकान खोली, ना कोई प्रोडक्ट लाया, ना कोई स्टाफ रखा, कुछ भी नहीं, और 32,000 के आ गए। तो फादर खुद बड़े खुश हो गए। मैंने कहा चलो एक समस्या तो मदर भी खुश हो गए, अगर खुश रहता हूँ मदर भी खुश हो गए, लेकिन मेरी मैडम भी नाराज। दोस्तों मैं ये बातें आपको मेरे साथ आप रिलेट करना मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपका हो सकता है यही चीजें आपके साथ भी हो रही हो। मेरी मैडम फिर भी नाराज थी कि ऐसा कौन सा काम आ गया कि ये तीन तीन चार चार दिन बाहर रहते हैं। लेकिन दोस्तों उन्हीं दिनों में मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है, हॉन्गकॉन्ग के होटल हिल्टन में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ। उस प्रोग्राम को मुझे मेरे बच्चों सहित और मेरी लाइफ पार्टनर सहित मेरी मैडम सहित उस प्रोग्राम को अटेंड करने का मौका मिला। उस प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद में मेरे को जो इफेक्ट हुआ वो ये हुआ कि मेरी जो लाइफ पार्टनर थी वो मेरी बिजनेस पार्टनर। दोस्तों हम लोग ज्यादातर गलती क्या करते हैं कि हम अपने परिवार को बताते नहीं, आपकी मैडम को नहीं बताते, हमारे मदर फादर को पता नहीं होता है कि हम क्या करते हैं। तो आप मैं इस आज इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप अपने फैमिली को इसमें इन्वॉल्व करें। इन्वॉल्व से मतलब है उनको बताएं प्यार से क्या है। और तीसरी समस्या दोस्तों उसका मेरे साथ ये थी कि मेरी सेकंड लेग बहुत कमजोर चल रही और कमजोर भी इतनी जो राजा राम जी बता रहे थे। राजा राम जी को मैंने जनवरी 2001 में ज्वाइन कराया, मैंने नहीं कराया, मैं उनको जानता भी नहीं। और मैं आज ये बात आप लोगों को बताना चाह रहा हूं दोस्तों कि नेटवर्क मार्केटिंग में जरूरी नहीं कि आप दुनिया को जाने, अगर आप एक व्यक्ति को भी जानते हैं इसका मतलब है आप पूरी दुनिया को जानते हैं। मैं राजाराम जी को बिल्कुल नहीं जानता, मैं राजाराम जी को बिल्कुल नहीं जानता था, लेकिन इस नेटवर्क की ताकत देखिए दोस्तों, मैंने जिस व्यक्ति को ज्वाइन कराया मेरता या दीनाराम धूलिया, उनके ये पैसे साइड की दुकान थी मेरता, हमने उनको ज्वाइन कराया, बस मैं वहां भी जानता।
उनकी दुकान में राजा राम जी आते थे ये मुझे पता नहीं। उस व्यक्ति ने राजा राम जी को ज्वाइन करा दिया और राजा राम जी ने आसाम और बिहार में तूफान मचा दी। और तूफान ऐसा मचाया कि मेरा बिजनेस था 19 लाख, उसमें राजा राम जी की लेखा 18,40,000 और मेरी जो सेकंड लेग थी उसका बिजनेस था मात्र 7,000। इतना गेप था, इतना इन्होंने मतलब तूफान मचा दिया अपनी, जबकि मैं इनको जानते ही नहीं थे। और सबसे बढ़िया दोस्तों, इस नेटवर्क मार्केटिंग का जो एक खूबसूरती है वो ये है कि आप किसी को जानते नहीं है, लेकिन इसमें आने के बाद में आपको ऐसा लगेगा कि आपका एक परिवार का सदस्य है। आज मैं जब राजा राम जी मिलता हूं तो मैं जस्ट यू ऐसा लगता है कि मेरे छोटे भाई मुझे मिल रहा है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, महावीर शरण इनका छोटा भाई कल जोधपुर मीटिंग थी, मुझे फोन किया, सरकार मेरे को मैं निमाज सर हम आ रहे हैं बच्चों सहित वहां। और किसके पास समय है, कौन समय देता है, भाई भाई से मिले थे सर। और वो या घर आए मिलके गए, कितना अच्छा लगता है। तो ये चीजें नेटवर्क मार्केटिंग देता, ये मल्टीलेवल मार्केटिंग, ये सब चीजें पॉसिबल। तो दोस्तों मैं बता रहा था मेरी साइकिल बहुत वीक चल रही थी, तो मैंने भाई से भी वही हिसाब से कहा जो मेरी अपलाइन है। मैंने उसे पूछा, मेरा भाई साहब मेरी साइकिल बहुत कमजोर चल रही है, बहुत वीक चल रही है, क्या करना चाहिए। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात बताई, उन्होंने कहा जितेंद्र जी ये बिजनेस करने का नहीं, ये बिजनेस सिर्फ दिखाने का, और दिखाने के लिए आपके पास बहुत अच्छा मौका है। कंपनी को उस वक्त 1 साल हो चुका था, 18-19 अगस्त 2001 को कंपनी अपना फर्स्ट एनिवर्सरी प्रोग्राम मनाने जा रही थी। उन्होंने मुझे कहा कि आप तो अपनी सेकंड लेग के लोगों को इसमें लागे बैठा, और मैंने उनकी बात मानी और मेरी सेकंड लेग के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को, मैंने कम से कम 10-15 लोगों को उस प्रोग्राम में बैठाया, वो प्रोग्राम दिखाया, और उसका नतीजा ये हुआ कि मैं अगस्त में प्रोग्राम था, अगर सितंबर अक्टूबर नवंबर कंटिन्यू 6% रॉयल्टी पे रहा। और दोस्तों अगर आप भी 8%, उस वक्त हमारे टाइम में 6% रॉयल्टी हुआ, अभी 8% 8% रॉयल्टी है, अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी 8% रॉयल्टी पे पहुंचे, तो दोस्तों आपके पास में बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा मौका है। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि 26, 27 और 28 नवंबर 2023 को दिल्ली में आलीशान प्रोग्राम होने वाले हैं। अगर आप उसमें शामिल होते हैं टीम के साथ, 26 तारीख को नूटी जात का प्रोग्राम है, 27 तारीख को हमारा एनिवर्सरी प्रोग्राम है, और 28 नवंबर को 30 साल की फर्स्ट एनिवर्सरी होने जा रही है। बहुत अच्छा मौका है, चूकना मत, क्यों कि मेरे साथ ही घटना घट चुकी है। मैंने अप्लाई से पूछा था कि क्या करूं, सेकंड लेग बहुत वीक चल रही है, उन्होंने कहा ये करो। यानी ये सिस्टम क्या है दोस्तों, कि अप्लाई से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ कैसे, और आप कहो। तो मैंने आप भी यही किया, मुझे आप अपनी अपलाइन माने। मैं आज आपको कह रहा हूं कि 26, 27 और 28 नवंबर 2023 को आप दिल्ली पहुंच जाना, 10-20 लोगों को लेके, अपने डाउनलाइन के लोगों को लेके। मेरी गारंटी है दोस्तों आप रॉयल्टी में 100% पहुंच जाए, और अभी रॉयल्टी का माहौल भी है सर्दे जैसा। बीसी बागचंद जी भाई साहब ने जो मिशन दिया है, मिशन 2000+ रॉयल्टी, तो दोस्तों इस माहौल का
आपको पूरा फायदा लेना चाहिए। आपको दिल्ली 100% आपको पहुंचना चाहिए, और दिल्ली के लिए 27 तारीख को आप एनिवर्सरी प्रोग्राम है, 28 को पीस का प्रोग्राम है। अगर उसमें आप 1500 पीवी का प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, अभी 5 दिन बाकी, अभी 5 दिन बाकी है, 26 27 28 29 30 सितंबर तक अगर आप 1500 पीवी का सामान कर लेते हैं परचेज पीस सोल का, तो आप 28 के प्रोग्राम में अटेंड हो सकते। और आप अकेले अटेंड नहीं कर रहे, अपनी मैडम के साथ या अपने हस्बैंड के साथ उसको अटेंड करें तो और भी मजा आएगा। और उसके लिए आपको 3000 पीवी के सामान परचेज करना पड़ेगा पी सोल। न्यूट्रीचार्ज का आपको पता है, न्यूट्रीचार्ज की प्रोडक्ट भी आप करके वहां पे अटेंड कर सकते, बहुत अच्छा मौका है। तो दोस्तों मुझे अगस्त में मेरी साइकिल लेके लोगों को उसमें बैठाने का फायदा ये हुआ कि 3 महीने में कंटिन्यू 6% रॉयल्टी पे रहा, और दिसंबर 2001 में मैं टेक्निकल पे पहुंच गया था दोस्तों, और उस वक्त मेरी चेक की साइज थी 1,41,000, 1,41,000 रुपये 2001 दिसंबर। अब ये दोस्तों आज ये बातें मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि मैं टेक्निकल भी पूछ सकते हैं, तेरा मन मुझे लगे। और जब हमारे पास प्रोडक्ट के नाम से मात्र एक कपड़ा था, एक कपड़ा हमारे पास था, शूटिंग हमारे पास 5 फीट पैंतीस आते थे, जनवरी 2001 में स्टार्टिंग शुरू हुई थी, ये वो प्रोडक्ट। और मुझे तेरा मान, आज आपके पास में कितने प्रोडक्ट हैं, आप किसी भी एक भी प्रोडक्ट को अगर पकड़ ले, मेरा कहने का तात्पर्य है कि अगर एक प्रोडक्ट से टेक्निकल पे पहुंच सकते हैं तो आज आपके पास में 800 900 प्रोडक्ट। और ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं कि आप एक भी प्रोडक्ट को पकड़ लें तो रॉयल्टी जैसा मुकाम आप 6 महीने में हासिल कर सकते। 6 महीने, मैं तो कहता हूं 6 महीने में टेक्निकल ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 100% विश्वास करना, अपने आप पे विश्वास करना पड़ेगा, कंपनी पे विश्वास करना पड़ेगा, प्रोडक्ट पे विश्वास करना पड़ेगा, कंपनी के आपकी डाउनलाइन पे विश्वास करना पड़ेगा, आपकी अपलाइन पे विश्वास करना पड़ेगा, और सबसे बड़ा दोस्तों अपने आप पे विश्वास करना पड़ेगा। अगर आप अपने आप 100% बिलीव करके इस सिस्टम में लग जाते हैं तो दोस्तों मैं दावे से कर सकता हूं 6 महीने में आप रॉयल्टी का टेक्निकल मुकाम हासिल कर सकते। अरे हमारे पास क्या नहीं, हमारे पास न्यूट्री चार्ज, और न्यूट्रीचार्ज चार के भी 23 प्रोडक्ट है, और एक से बढ़ के एक प्रोडक्ट हमारे पास में की सोल है, हमारे पास में हरी संजीवनी है, हमारे पास में गुंडोट है, अरे सबसे बड़ा हमारे पास एक पैंट है, तुलसी पैंट, क्या नहीं है। और सबसे बड़ा हमारे पास में है गामा ओरिजिनोर। आप एक प्रोडक्ट को भी पकड़ लेते हैं मेरे दोस्तों तो आप रॉयल्टी का मुकाम हासिल कर सकते हैं, रॉयल्टी का। अभी 5 दिन बचे, किसी का वेट नहीं करना है, किसी का इंतजार नहीं करना है, कल से ही लग जाना है, कल से नहीं अभी से लग जाना है। अरे आप सोचिए, अगर आप इससे सप्टेबल मंथ है, टारगेट मंथ है, अगर आप रॉयल्टी अचीव कर लेते हैं तो वहां पे जैसे राजा राम जी बता रहे थे कि हम लोग आपके लिए वहां तालियां बजाएंगे, आपका स्टेज पे लोग स्वागत कर रहे होंगे और हम नीचे बैठे बैठे आपके लोगों के लिए ताली बजाएंगे, तो क्या आप ये मुकाम हासिल नहीं करना चाहेंगे। 100% आपको ये मुकाम हासिल करना चाहिए, और बहुत इजी काम है दोस्तों। आप मुझे मैंने जो बताया आपको इतना इजी काम है, जब मैं एक प्रोडक्ट से टेक्निकल पहुंच सकता हूं, आज आपके पास में ऐसे ऐसे यूनिक प्रोडक्ट है, आप किसी भी एक प्रोडक्ट को पकड़ लें,
अब 100% रॉयल्टी पे जा सकते। और दोस्तों कभी निराश नहीं होना, कभी भी निराश नहीं होना। मैं अमूमन कहा करता हूं दोस्तों कि बहुत से लोग दूसरों पे करते हैं, अपने अपलाइन पे करते हैं, अपने डाउनलाइन पे करते हैं, पिकअप सेंटर पे करते हैं, हमारे यहाँ ये प्रोडक्ट नहीं है, हमारे ये प्रोडक्ट नहीं है। हमें किसी पर भी दोषा रोपण नहीं करना। ऐसा फलता जब कोई आदमी सफल नहीं होता है तो वो लोगों पर दोष देता है, ऐसा करते नहीं। बच्चन साहब की बात मुझे बहुत याद आती है, वो क्योंकि एक कविता है उसमें उन्होंने कहा है कि असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें, इसे स्वीकार करें, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें। ये बहुत अच्छी एक लाइन है, मैं आगे की बोल रहा हूं। मैं अभी तो ये चीजें दोस्तों असफलता अपने आप सोचिए, असफलता एक चुनौती है, कहां कमी रह गई देखें और सुधार करें। तो ये एक बहुत अच्छी कविता है, इसको आप सुने, उसमें किसी को दोष नहीं देना, अपने आप को अपने अंदर रखना है कि मेरी में क्या कमी रही। मेरा एक साथी, मेरा एक दोस्त, मेरे साथ जिसने ज्वाइन किया था वो आज रॉयल्टी पे है, टेक्निकल पे है, और मैं आज वही हूं, मैं उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाया। तो दोस्तों हमें निराश नहीं होना, हमें कतई निराश नहीं होना है, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी है, हमें उम्मीद कभी नहीं छोड़नी। वो कहते हैं ना दोस्तों कि हौसले के तरकस में कोशिश की एक तीर जिंदा रख, जिंदगी में हार जा सब कुछ चाहे, लेकिन जीत की उम्मीद जिंदा रख, हमें जीतने की उम्मीद जिंदा रख। तो दोस्तों हमें बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा माहौल है, मिशन 2030 रॉयल्टी, और सब तैयार है, कंपनी तैयार है, आपकी अपलाइन तैयार है, आपको रॉयल्टी पे देखना चाहती है, तो हमें उस पे पहुंचना है आज से ही, हमें अभी से ही इसमें लग जाना है। और जहां तक मल्टी लेवल मार्केटिंग, तो कहते हैं ये 2-5 प्लान है, 2-5 साल आपको यहां लगाने ही पड़े, और इन 2-5 साल में आपको क्या करना है, लर्न टीच एंड डू, हमें इस सिस्टम को सीखना है और लोगों को सिखाना है और अपने जैसे डुप्लीकेट तैयार करना है। सबसे इजी काम, हमें पहले इसको सीखना है, बिल्ड करना सीखना है, नेटवर्क कैसे बनाया जाता है बनाना सीखना, और जिस दिन आप बनाना सीख जाएंगे तो दोस्तों आप मान के चलिए आप भी एक दिन डायमंड की पिक पे पहुंच जाएंगे, 100% आप भी डायमंड की पिक पे पहुंच जाएंगे, लेकिन आप इस सिस्टम को बनाना सीखें, और जब आप सीख जाएंगे तब लोगों को सिखाना शुरू करें और अपने जैसे डुप्लीकेट तैयार करें। ज्यादातर लोग क्या करते हैं दोस्तों, सर मैं तो ऐसा कर रहा हूं, आपके अकेले करने से काम नहीं चलेगा, नेटवर्क मार्केटिंग लोगों का बिजनेस है, जब लोग आपके नीचे काम करेंगे तब आपका बिजनेस है। तो हमें लोगों को अपने जैसा बुलाना, अपने जैसे डुप्लीकेट तैयार करना, और जिस दिन आप अपने जैसे डुप्लीकेट तैयार कर लेंगे तो दोस्तों रॉयल्टी और टेक्निकल और डायमंड की भी बहुत ईजी। बस मैं तो यही कहूंगा कि 5 दिन हमें ना तो सोना है ना सोने देना, ना तो सोना है और ना सोने देना है। कहते हैं ना दोस्तों कि उठ जाग मुसाफिर द्वार भाई, अब रेन कहा जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। इसलिए दोस्तों जग जाना है, लोगों को जगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर।